अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मोहतरम तुलाबाए किराम। आज हमारा लेक्चर हदायत के सरचश्मे से सूफिया कराम है। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम हज़रत अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ चुके हैं और उनके बाद हमने बाबा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पढ़ा। आज सूफिया कराम में से तीसरी शख्सियत हज़रत जो है निज़ामुद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन दहलवी की मुआशरती और रूहानी खिदमात हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले भी लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को बताया जा चुका है कि हमारे सबक का अंदाज जो है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि जिसमें हम जो है हमारे लिए सबक को समझना भी आसान हो जाए, सबक के समझने के साथ साथ हमारा जो है बोर्ड का सवालिया जो भी सवालात हैं, MCQs हैं या मुख्तसर सवालात हैं, वो भी हमारे लिए याद करना आसान हो जाए। तो कोशिश की गई है कि सबक को इस अंदाज में तहरीर किया गया है कि आप उसको समझ भी आसानी से लें और अगर आपके जो है कोई भी जो सवालात हैं, हर चीज यानी सबक का एक एक लफ्ज आपकी समझ में भी आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरी शख्सियत सूफिया कराम में से ख्वाजा निज़ामुद्दीन दहलवी के जो है रूहानी और इल्मी माशरती और रूहानी खिदमात के बारे में। तो सबसे पहले हमने उनके तारुफ के बारे में पढ़ेंगे। उनका तारुफ, ख्वाजा निज़ामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप सिलसिला चिश्तिया के मशहूर और मारूफ सूफी बुजुर्ग हैं। आप अहले बैत के चश्मो चराग हैं, यानी आपका जो सिलसिला नसब है वो अहले बैत से मिलता है। आपका नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन, वालिद का नाम अहमद बुखारी, लकब आपका सुल्तानुल औलिया है। उसके बाद आपकी पैदाइश का आ जाता है कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो लिखते हैं 1237 में ईस्वी में आपके वालिदैन बुखारा से हिजरत करके बदायून आ गए, वहां आपकी पैदाइश हुई और आपके वालिद मोहतरम बदायून के काजी थे। जब आपकी उम्र 5 बरस हुई उस वक़्त आपके वालिद इस दुनिया से जो है रहलत फरमा गए। तो आपने फिर तालीम के सिलसिले में आपने जो तालीमात हासिल की हैं, तालीम में आपने फिका, हदीस और कुराने पाक के 6 जो है पारों की दर्स जो है हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाक पतन वाले जो है उनसे रहमतुल्ला आलेह से हासिल किया। और आपने आप रहमतुल्ला आलेह ने कुल्ला चहारतर, यानी कुल्ला चहारतर का मतलब है 4 कोनों वाली टोपी, ये भी हजरत से हासिल की। उन्होंने आपको ये पहनाई। ये 4 कोनों वाली टोपी को पहनाने का असल मकसद जो था, बुनियादी मकसद ये था कि 4 चीजों पर आपसे आहद लेना। और वो 4 चीजें क्या थी? वो ये थी कि नंबर 1, दुनियावी मालो दौलत के लिए ज्यादा कोशिश ना करना। यानी वो 4 कोनों वाली जो आपको टोपी पहनाई गई, उस टोपी पहनाने का जो मकसद था वो आपसे 4 जो है बुनियादी बातों के ऊपर वादा लेना था। और वादा वो क्या था? उनमें से पहली बात कि दुनियावी मालो दौलत के लिए ज्यादा कोशिश न करना, इस बात का हद लेना। दूसरा, अल्लाह का खौफ दिल में होना। तीसरा, कम सोना और कम खाना। चौथा जो है नफ्स की बात ना मानना। यानी इन 4 बातों का, उस टोपी को पहनाने का मकसद था कि इन 4 चीजों के ऊपर, बातों के ऊपर आपने अमल करना है। अब आगे हम चलते हैं आप रहमतुल्ला अलैह की जो है सिफात, जो है सिफात आप रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कौन कौन सी सिफात पाई जाती थी, कौन कौन सी आपकी यानी ये खूबियां थी, तो इसमें बताएंगे आप रहमतुल्लाह अलैह का। आप रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जिंदगी तलबे इलम यानी इलम को हासिल करने में गुजरी, इबादात में, रियाजत और मुजाहिदा मेहनत और मुशक्कत में, और जो है लोगों की तरबियत और इस्लाह में आप रहमतुल्लाह अलैह मुत्तकी थे, परहेजगार थे और बहुत ही ज्यादा सखावत करने वाले और इसार यानी कुर्बानी देने वाले, लोगों के साथ दिलजोई करने वाले, हुस्ने सलूक और इखलाक हसना के पैकर थे। तो ये आप रहमतुल्लाह अलैह की सिफात थी कि जो आपके अंदर पाई जाती थी। आगे है जी रूहानी खिदमत। आप रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी खिदमत क्या है कि आपने जो है अपनी बुजुर्गी और तसव्वुफ के जरिए से लोगों के किन किन इखलाकी जो है ना और रूहानी तरबियत की है। तो उन्हें बताते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह के मल्फूजात से नफ्स की पाकिजगी और रूहानी आसार वाजे हैं कि आपने लोगों के जो है
दिल की, दिल को पाक किया और उसकी इस्लाह की, और ये वाज़े तौर में हमें जो है आसार मिलते हैं। और आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कुछ मिले तो जमा ना करो, ना मिले तो फिक्र ना करो, यानी जो मिल जाए उस पे सब्र करो, ना मिले तो उसके लिए परेशान ना हो, अल्लाह पर उम्मीद रखो वो जरूर देगा। किसी की बुराई ना करो, ये भी एक रूहानी और इखलाकी जो है तरबियत है। बिला जरूरत कर्ज ना लो, जुल्म के बदले अता करो, मतलब ये जुल्म के ऊपर और जुल्म और ज्यादती के ऊपर सब्र की तलकीन कर रहे हैं। और इसी तरह ऐसा करोगे तो बादशाह तुम्हारे दर पर आएंगे। फकरो फाका रहमत इलाही है, यानी तंगदस्ती का आ जाना इंसान के ऊपर ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। आप फरमाते हैं कि फकरो फाका के बारे में, जिस शब फकीर भूखा सोया वो शब उसकी मेराज की है, यानी कि मतलब फकरो फाका की हालत में जब इंसान भूख और तंगदस्ती की हालत में एक शब जो है भूख में गुजारता है तो जो मेराज की रात का जो है मकाम है वही उस बंदे के लिए उस खाली पेट या भूख की रात सोने का मकाम है। आगे अल्लाह की राह में जितना खर्च करो वो फजूल खर्ची नहीं, और जो अल्लाह की राह में खर्च ना हो वो इसराफ है, यानी वो फजूल खर्ची है खा वो कितना ही हो, यानी जो अल्लाह के रास्ते में दे दिया वो इंसान का जाया नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला उसको जो है वो लौटा कर देंगे, चाहे इस दुनिया में और चाहे आखिरत में। और जो अल्लाह के रास्ते में नहीं है बल्कि दूसरे रास्ते में या शैतान के रास्ते में या किसी और जगह पे खर्च किया गया है, वो चाहे तो आपने एक रुपया किया हो चाहे वो करोड़ों कर जो किए हो वो जाया ही जाया है। अल्लाह के राह में एक रुपया भी देना वो जाया आपका नहीं होगा।